91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश और अब हमारी बातें होने वाली है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी के साथ। जी हाँ, हर्षित बाजवा का जो रोल है वारिस में सभी के दिल को छू चुका है। नेगेटिव कैरेक्टर लेकिन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो मैंने सोचा कि उनके साथ बातें होनी ही चाहिए आज। बिल्कुल लाइव हमारे साथ इस वक्त फ्रेंड्स एफएम पे सिद्धांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। थैंक यू। सबसे पहले आपको बता दूं कि कोलकाता में इस वक्त 40 लाख लोग आपकी आवाज हमारे स्टेशन पे सुन रहे हैं और करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं। क्या रोल किया आपने हर्षित बाजवा, दिलों को छू गया, नेगेटिव कैरेक्टर लेकिन सबके नजदीक आए और दिलों को छू गए, कुछ कहना चाहेंगे वारिस में आपके रोल के बारे में, लोगों को काफी पसंद आ रहा है। मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे काम को पसंद किया है। सरप्राइज हूँ क्योंकि एक नेगेटिव कैरेक्टर है तो मोस्टली लोग उसे हेट करते हैं, नफरत करते हैं, जो इन अ वे इज अ गुड थिंग, बिकॉज अगर पीपल हेट योर कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर दैट मीन्स आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा किरदार निभा रहे हो। तो आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि लोग फिर भी मुझे पसंद कर रहे हैं, तो दैट्स देयर लव फॉर मी। एंड आई कैन से ओनली वन थिंग दैट हर्षित हैज बीन अ चैलेंज फॉर मी एज एन एक्टर, बिकॉज अब तक मैंने ऐसा रोल कभी किया नहीं था और ये मौका मुझे मिला वारिस में और मैंने कोशिश की कि उसे जस्टिफाई करूँ ठीक से। और राइटर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, क्रिएटर्स भी हमारे। एंड वेल इट्स एन एक्सपीरियंस, या ये भी है कि बिकॉज रियल लाइफ में मैं ऐसा नहीं हूँ तो बहुत ड्रेन हो जाता हूँ ये परफॉर्म करते करते, बिकॉज एंड ऑफ द डे एज एन एक्टर आप इन्वॉल्व होते हैं, बट इट्स वर्थ द एफर्ट। लोग जब तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं कैरेक्टर को तो अच्छा लगता है, तो लगता है कि आपकी मेहनत को आपकी मेहनत रंग लाई। बिल्कुल अर्षित, मैं सिद्धांत मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, इनफैक्ट पूरे टीम की जो मेहनत है वो रंग ला रही है। मैं पहले दिन से वारिस को देख रहा हूँ और वारिस में जो ये ट्विस्ट जो आ रही है वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। पहला ट्विस्ट आया था जब मनु जो है वो बड़ा हो गया, अब सेकंड ट्विस्ट आया है शादी वाला जो अभी ट्विस्ट दिखाया जा रहा है, तो ये काफी ये जो स्क्रिप्ट है वो काफी स्ट्रांग है, कुछ कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? जी हाँ, वो सारे काफी ट्विस्ट पहले से ही डिसाइड थी, राइटर ने सोच के रखा था क्योंकि कहानी का रुख उसी तरह मोड़ना था। जब मैंने शो चालू किया तभी बताया गया था कि एक पॉइंट पे जब मनु बड़ा होगा तो रिवील होगा कि वो एक लड़की है, उसकी कहानी होगी, बिकॉज वही दो वॉरिंग फैमिलीज के बीच में अगर दिखाने कनेक्शन, तो ऐसे कहानी बहुत सालों से हमें लव स्टोरीज होती है कि दो वॉरिंग फैमिलीज के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वही कहानी का फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। अब मन्नू का, अगर प्रीत का हमारे घर आना, अब हमारे घर आकर वो क्या करती है, ये क्यूरियोसिटी सबको होगी और मैं चाहूंगा कि लोग इस शो को कंटिन्यू करें देखना और आई एम श्योर वी विल कम अप विद समथिंग वेरी नाइस टू कीप देम हुक्ड ऑन एंड वो पसंद करेंगे, आपकी जो कहानी आ रही है वो एंजॉय करेंगे अच्छे से। क्या बात है, ये तो हम पर्दे पर देखते हैं सर और काफी हमें पसंद आ रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें अगर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि इतने इतने दिग्गज और इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स एक साथ काम कर रहे हैं। आरती की मैं बातें कर रहा हूँ, नील की मैं बातें कर रहा हूँ, आप हैं, जसवीर कौर हैं, तो मुझे बताना चाहेंगे कि ये सब आप जब एक साथ मिलते हैं तो ये जो झगड़े हम देख पा रहे हैं इस वक्त पर्दे पर वो तो बिल्कुल नहीं होती है, प्यार मोहब्बत और क्या क्या बातें होती है कुछ अगर बताएं। एब्सोल्युटली वही सही कहा आपने, जब कट हो जाता है उसके बाद हम सब एक बड़ी फैमिली है, हम लोग इतनी मस्ती करते हैं, साथ में पार्टियां करते हैं, भूल जाते हैं कि क्या कैरेक्टर बाहर कर रहा है। अगर आप बाहर से देख लो तो देखो, जैसे जो अंबा है कैरेक्टर आरती, वो रियल लाइफ में मेरी राखी सिस्टर है, तो आप सोच सकते हैं कि आप और मैंने उसको 10 साल से जाना है, तो 10 साल की उम्र एक है इंडस्ट्री में और ये रोल करे जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे, एक दूसरे को नफरत करते हैं, शॉट के बाद जो हंसना शुरू करते हैं वो बंद नहीं होता है। मोहिनी जो है जैसी, वो मेरी बहुत बहुत अच्छी दोस्त है और खूब खूब शरारती वो भी है, मैं भी बहुत शरारती, तो हम लोग इतनी मस्ती करते, टांग खिंचाई करते हैं, साथ में खाना खाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, पार्टी करने का, मूवी देखने का, तो एक ही कमरे में 10 लोग, सोचिए ना छोटे से कमरे में हम 10 लोग बैठ के खाना खाते हैं, बातें करते हैं, डायरेक्टर को भी हम साथ में मस्ती में करके कोई तंग करते, बेचारा डायरेक्टर परेशान हो जाता है कि भाई तुम लोग बातें करना बंद करो, तुम्हें शूटिंग कर लूँ, तो इस तरह का माहौल होता है सेट में, तो जो बिल्कुल ऑपोजिट है जो आप शो में देखते हैं। क्या बात है, हम चाहेंगे कि आपकी ये जो बॉन्डिंग है, आप सभी एक्टर्स की बॉन्डिंग है, इसी तरह बने रहे और वारिस जो है लोगों के दिलों को ऐसे ही छूते रहे। वैसे मुझे बताइए कि गर्मी इस वक्त कोलकाता में, इनफैक्ट है ऑल ओवर इंडिया में काफी ज्यादा पड़ रही है, तो सबसे सबसे टफ टाइम आपको कौन सा लगता है? शूट तो आप लोगों की हर समय होती रहती है, कोई शूटिंग की टाइम नहीं रहती है, तो सबसे टफ टाइम आप कहेंगे कि ये शूटिंग का जो स्लॉट है वो काफी काफी मुझे आप पसंद नहीं है, ऐसा कौन सा होगा?
वो दोपहर से हमारा जो बेसिकली आउटडोर शूट था, जो भी सीन आते थे, जब भी रिसेंट एपिसोड में काफी सीन आए जहाँ पर जैसे कि प्रीत और राज की शादी का सीक्वेंस आया पूरा, वो पूरा मंदिर में शूट हुआ ओवरऑल। फिर प्रीत का घर पर आना और बहुत सारी ऐसे सीन, पंचायत का जो सीन था जहाँ पे अम्बा को क्यूमुलेट किया जाता है, ये सारे सीक्वेंसेस बहुत डिफिकल्ट थे बिकॉज हमें धूप में पूरा दिन शूट करना पड़ता है और वो बहुत अनबेयरेबल हो जाती है क्योंकि धूप के साथ साथ जो और लाइटें लगती है मैच करने के लिए, जो टेक्निकल चीज होती है वो चीज़ों से काफ़ी दिक्कत होती है। प्लस जो कपड़े हम पहनते हैं वो कभी कभी हैवी कपड़े होते हैं, जो लेडीज आर्टिस्ट हैं उनको तो बहुत भारी वर्क कपड़े पहनने पड़ते हैं, जैसे प्रीत ने शादी का जोड़ा पहना था, मोहिनी के जो कपड़े लुक है, मेरा अपना जोधपुरी का लुक था जो बहुत, आप सोचिए 34 डिग्री में बाहर खड़े हो आपके अंदर अपने शर्ट जोधपुरी मोटी सी का पहना हुआ है, तो पसीने से हालत खराब जाती है और दिक्कत होती है, बट फिर भी चूंकि सीन्स कभी कभी इतने अच्छे लिख कर आते हैं कि एज एन एक्टर उसे इतना इंजॉय करते हैं कि आप उस चीज को उस वक्त के लिए भूल जाते हैं, तो चैलेंज होता है। बट ओवरऑल जैसे कहा कि अगर हम सीन देखते हैं स्क्रीन पर, जब वो निकल के आता है तो लगता है कि यार चलो यार मैंने जो भी डिफिकल्टी हुई बहुत सेट था। क्या बात है। वैसे वारिस के बाद क्या सोच रखा है सर, आने वाले कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ फिलहाल तो अभी वारिस से काफी बिजी हूँ मैं, जैसे कि आजकल बोल गया कि कोई भी एक्टर एक शो से ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि हमारा कमिटमेंट जो होता है वो एक शो की तरफ होता है, तो जैसे कुछ नया आएगा तो जरूर आई एम श्योर द ऑडियंस विल लव इट। कोशिश यही रहेगी जो अब किया है उससे थोड़ा हट के थोड़ा अलग रोल करूंगा ताकि एज एन एक्टर मैं भी रिफ्रेश हो जाऊँ, यू नो वही चीज अगर बार बार करते रहोगे तो एक मोनोटोनी बैठ जाती है, तो एज एन एक्टर आई डोंट एंजॉय। तो मेरा दूसरा रोल जो भी होगा वो भी डिफरेंट, जैसे कि मैंने इसके पहले करण में अधिरथ का रोल किया था, वो एक अलग अनुभव था, बारिश एक अलग अनुभव है, तो उसके बाद वाला शो जो होगा वो भी एक ऐसा किरदार होगा जो एज एन एक्टर मुझे चैलेंज करेगा एंड एज एन ऑडियंस आई थिंक लोग उसे पसंद करेंगे। क्या बात है। जाते जाते जो लोग आपको सुन रहे हैं सर इस वक्त जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा, कुछ कहना चाहेंगे उन सभी से? बस मैं यही कहूँगा कि बस शो देखते रहे, हमें अपना प्यार देते रहे और हम कोशिश यही करेंगे कि हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, तो उसके बाद बहुत एंटरटेनमेंट। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बस just make sure that you take care of your health, be happy and just smile and spread the happiness all over. Wow, thank you so much Siddhant, हमें समय देने के लिए, Friends FM को समय देने के लिए, काफी अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप इसी तरह हम सबको entertain करते रहें। All the best and you are the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Take care. Bye bye. चलिए तो हमारे साथ एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 Friends FM पे। सुनते रहो साथ रहो ये फ्रिक्वेंसी फ्रेंड्स की।